अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रॉयल कैफे के एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत और दिलों को छूते हुए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सायरा सिद्दीकी। एंड आई एम श्योर कि मेरे जो प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं एकदम खैरवाफियत से होंगे और हमेशा की तरह से वेट करे होंगे हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का। तो जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, स्टार्ट लेती हूँ अपने प्रोग्राम का और इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि आज कौन बहुत प्यारे प्यारे से मेहमानों ने हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम को सजाया है। इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊँ, एक टाइम था कि जब पाकिस्तानी मूवीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बूम पे थी और इवन अक्रॉस द बॉर्डर भी उनको अप्रिशिएट किया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर एक ऐसा डाउनफॉल आया कि इवन व्यूवर्स ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर अच्छी मूवीज़ नहीं बनती, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ नहीं बनती। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि पिछले कुछ सालों से दोबारा जो हमारी इंडस्ट्री है वो एक बूम की तरफ है, वो एक अरूज की तरफ है और दोबारा ऐसी मूवीज़ जो हैं वो देखने में आ रही हैं जो कि फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ हैं जिनमें एंटरटेनमेंट भी है, फ़न भी है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर कोई लेसन भी है। ऐसी ही एक ज़बरदस्त अपकमिंग मूवी जिसका नाम भी बड़ा डिफरेंट सा है और इस नाम की क्या बैकग्राउंड है ये तो मैं इंटरव्यू के दौरान ही पूछूंगी, दैट इज़ फिकर नॉट, जो कि इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होने जा रही है 11th of March को, यानी कि 11 मार्च को। तो आज हमने मधु किया है उसकी तमाम कास्ट को और वन बाय वन जो है मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले जी फिकर नॉट की प्रोड्यूसर, उनका नाम बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने काम की बुनियाद पर अपनी पहचान बनवाई। डॉल्फिन कम्युनिकेशन के नाम से जो उनका इदारा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान, इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके अलावा बहुत रिनाउंड सिंगर्स के साथ इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा शोज़ किए और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंटरनेशनल वीमेन स्टेज डायरेक्शन के हवाले से न्यूयॉर्क में एक बुक पब्लिश हुई जिस पे कि 3 पेजेस पे उनके काम को सराहा गया, वन एंड द ओनली आसमा बर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम टू रॉयल कैफे। थैंक यू। और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, उनके साथ जो मौजूद हैं, अभी क्या बोलूँ उनके बारे में, मेरी एवर फेवरेट, मेरी पूरी फैमिली की एवर फेवरेट, दी एवर ग्रीन ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मैं ख़ुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा उनको ये बात बोलती हूँ। उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनका काम ही उनकी पहचान है, उनका नाम ही उनकी पहचान है, वन एंड द ओनली दुर्दाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रॉयल कैफे। थैंक यू। अभी क्या बोलूँ, हमेशा की तरह इतनी क्यूट लग रही है कि हमारी सारी तैयारी वैसी की वैसी धरी रह जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़। व्यूअर्स, उनके साथ ही बहुत ही क्यूट, बहुत ही चार्मिंग सी, इनफेक्ट जो कि फिकर नॉट में लीडिंग रोल कर रही हैं, इसके अलावा 3 मूवीज़ में और भी काम कर चुकी हैं, डिफरेंट ड्रामा में काम कर चुकी हैं, उसके अलावा उनकी क्या मसरूफियत है, उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, ये तो मैं इंटरव्यू के दौरान ही पूछूंगी। रुबाब अलमास, अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम। वेलकम टू रॉयल कैफे और आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। व्यूअर्स, अगर बात करें सिंगिंग की तो अगेन एक बात मैं कोट करूंगी कि वंस देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ एक गाने की बेस पर पूरी मूवी हिट हो जाती थी, अगेन एक डाउनफॉल आया हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री को दोबारा एक बूम दिया। ऐसा ही एक नाम, बहुत खूबसूरत सिंगर हैं और मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं, तो इतने वैसे खूबसूरत सिंगर है नहीं जितना मैं बोल रही हूँ, और प्लीज़ मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैं जोक कर रही हूँ। और उनकी एक और पहचान ये कि बहुत बड़ा नाम, शहनशाह कवाली उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब के साहबजादे हैं, अली बदर मियां दाद। इसके बाद कहीं और भी जाना किसके साथ जाना है? व्यूअर्स, उनके साथ एक और बहुत प्यारी सिंगर काफी ज्यादा प्ले बैक सिंगिंग कर चुकी हैं और उनका नाम है अमन अली। अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सो ये तो था ऑल अबाउट फिकर नॉट की कास्ट। आती हूँ आसमा जी आपकी तरफ। फिकर नॉट, सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या सोच के ये नाम रखा और बेसिकली मूवी का जो थीम है वो क्या है? बेसिकली मूवी का थीम जो है यूथ पे है, स्टूडेंट पे है, और यूथ है आपको पता है आजकल की न्यू जनरेशन है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, एग्जैक्टली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी काम कह देना बस हो जाएगा, करें या ना करें लेकिन वो आवाज एक आ जाती है जी हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। बस उनको मद्देनजर रखते हुए एक स्टोरी लिखी जिसमें एजुकेशन पे, उनके सोशल प्रॉब्लम्स पे, और पढ़े लिखे होने के बावजूद बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो फिर शॉर्टकट के चक्करों में कैसे अमीर होना चाहते हैं और वो कैसे ज़िगज़ैग्स होते हैं अपनी लाइफ में, कैसे नेगेटिव होते हैं कैसे पॉजिटिव जाते हैं, और फिर लड़कियाँ कैसे लाइफ में आती हैं।
उनके साथ उनका क्या फिर सारा कुछ सिलसिला जो भी है बिल्कुल वो उसको सामने रखते हुए ये फिल्म का नाम रखा था। बेसिकली है ये फनी भी है, रोमांटिक भी है, और एंटरटेनमेंट भी है, और एक पॉजिटिव मैसेज भी है बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। दुर्दाना जी जी, सबसे पहले तो पूछूंगी क्या रोल है इसमें? इसमें रोल हीरो की मदर हूँ। अच्छा, हीरो की मदर। हाँ जी, और मॉड स्कॉट मतलब जैसे आजकल की मदर वो तो होती वैसे आप माशाल्लाह वैसे ही और आसमा जी ने बड़ी खूबसूरत मूवी बनाई और मैं ये समझती हूँ कि मेरी इनके साथ दोस्ती ज्यादा, दोस्ती में मैंने काम भी किया, ऑलरेडी काम तो मैं कर रही हूँ, और महम ने भी माशाल्लाह इसमें गाने गाए हैं, आपको देखा होगा पिछले प्रोग्राम में हमने वो सॉन्ग्स जो थे वो सुने भी थे हमने। मैं ये कहती हूँ कि बड़ा खूबसूरत नाम फिकर नॉट, वाकई जो आसमा जी ने भी कहा कि आजकल के बच्चों को कोई फिक्र नहीं, वो कहते हैं जी हमें लाख रुपए का मोबाइल दे दें, हमें कोई फिक्र नहीं आप कमाएं या ना कमाएं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मेरी ये स्पेशल दुआ है कि अल्लाह ताला आसमा जी को फिल्म जो बनाई इन्होंने फिक्र नॉट, इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा तो दुनिया देखने आएगी। उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस्लामाबाद में उसकी शूटिंग, लाहौर में शूटिंग, मैं समझती हूँ इन्होंने अपने हद से ज्यादा उसमें काम किया मेहनत की, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी फिल्म को कामयाब करे, और ऑडियंस को स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो एक दफा ये फिल्म देखने जरूर आए, तो फिर फिल्म में आगे कुछ होता है तो वो कामयाब होती है। आप ये देखें ना उनकी स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त है, आप कह रही ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, आप जैसे जब लोग काम करेंगे तो रिक्वेस्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑडियंस तो डेफिनेटली खींची हुई आएगी। एनिमा अच्छा मिला इनको, और मूवी इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, लोकेशंस बहुत अच्छी, म्यूजिक बहुत अच्छा, कास्ट भी मैं समझती हूँ कि ये इनकी बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है कि खुद भी डायरेक्शन एज ए डायरेक्टर इन्होंने फर्स्ट मूवी की, एज ए प्रोड्यूसर फर्स्ट मूवी की, और ऊपर से इनकी हिम्मत देखें कि इन्होंने कास्ट भी नहीं ली, सिंगर भी नहीं ले, और म्यूजिक डायरेक्टर भी, और स्पेशली बीइंग अ लेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बड़ी बात है, और सब लोगों ने बड़े दिल से, बड़ा हिम्मत से, और सब लोगों ने मिलजुल कर ऐसा इनसे, ये खुद भी बहुत अच्छी है। एक तो होता है ना प्रोड्यूसर और एक्टर का रिलेशन लेने देने का, लेकिन ये खुद इतना ख्याल करती हैं, प्यार करती हैं, अपने फनकारों को अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं, मैं ये समझती हूँ कि मैंने आज तक बहुत सारी मूवी 300-400 फिल्म में मैंने खुद काम किया, लेकिन जितना इन्होंने अपने खूबसूरती से उसको, मैं ये समझती हूँ कि उसको उसकी प्रमोशन की, और हर जगह पे इन्होंने उसकी कोई ना कोई इवेंट रखा प्रमोशन के लिए, मीडिया बुलाया, प्रेस बुलाई, और कितने तादाद के लोगों में इन्होंने डिनर दिए, लंच दिए, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और इसका सिला अल्लाह ताला ने इनको दिया। क्यों नहीं जी जनाब रुबाब, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका इस मूवी में काम करने का, क्या फीलिंग्स थी, एक्साइटेड थे जब कैमरा फेस कर रहे थे? आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी थी जो मैंने शूट करनी थी, मतलब बड़े कैमरा की मूवी, इससे पहले मैंने ड्रामास वगैरह किए हैं, लेकिन जो मूवी का था वो फर्स्ट था एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आसमा जी के साथ काम करके, इन्होंने बहुत अच्छे से कोई भी सीन होता था, कुछ भी होता था, समझाती थी कि इस तरह गाइड करती थी बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से, तो बहुत अच्छा रहा मेरा इसमें एक्सपीरियंस, मजा आया बहुत मजा। अच्छा, छोटी स्क्रीन पे मतलब ड्रामा में भी काम किया, और उसके बाद ये आपकी पहली मूवी थी? हाँ, रिलीज होने वाली। अगर दोनों स्क्रीन का थोड़ा सा कंपैरिजन करें, एक तरफ टीवी है और एक तरफ मूवी है, क्या डिफरेंस फील होता है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो बड़ी स्क्रीन का काम होता है, जो मूवी का काम होता है, उसमें बहुत लाउड एक्सप्रेशन होते हैं, बहुत लाउड, और जो ड्रामास का काम है उसमें थोड़ा लो होता है, एक्सप्रेशन लिमिटेड होता है, मतलब एक जगह पे बैठ के आपके क्लोजेस हो रहे हैं, एक जगह पे बैठ के हो रहे हैं, खड़े होके हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता मूवी में, इस तरह नहीं होता मूवी में, बहुत लाउड एक्सप्रेशन का काम होता है, तो डिफरेंस ये है। आ जाओ आपकी तरफ, इजाजत है? आप उधर ही, मैं उधर, इजाजत है बात करने की अगर आप कहें। कैसे रहा एक्सपीरियंस? म्यूजिक की डायरेक्शन भी दी, सॉन्ग्स गाए भी, और लिरिक्स भी हैं आपके, नन्ही सी जान पे इतना लोड कैसे कर लिया जी सब कुछ? नहीं, कैसे कर लिया जी ये? बस हो गया मुझसे, हो गया। पहले एल्बम का एक्सपीरियंस था, मैंने आपको बताया एल्बम के लिए, तो जब मुलाकात हुई तो फिल्म का जब आगे से स्क्रिप्ट आया और सारा, उसमें
यही चेंजिंग है कि आप एल्बम में अपनी मर्जी से काम करते exactly, बिल्कुल तो फिल्म के लिए उनकी मर्जी उनकी से मर्जी से काम करना पड़ता है क्योंकि कहानी के मुताबिक और वो सारा कुछ करना। इसमें कवाली है अच्छा तो वो कवाली एक मैंने और अमन ने डुएट है मतलब जी डुएट है मौला ओके तो वो पिक्चराइज भी मेरे पे हुई है और वो वैलेंटाइन डे का वो सीन है और बड़ा खुश होकर बताया वैलेंटाइन डे का वो सीन ही कुछ ऐसा वो अच्छा वो सीन ही कुछ ऐसा था एक ही था एक ही था ओके तो वो फिर हमने शूटिंग भी की बड़ा अच्छा वो अच्छा म्यूजिक का थीम अली बेसिकली क्या है एक तो कवाली होगी उसके अलावा क्या सॉन्ग आइटम सॉन्ग है जी रोमांटिक भी है रोमांटिक में हमने गाया बहुत अच्छा वो मैंने सुने भी हैं इनफैक्ट याद होगा दुर्गाना जी को बिल्कुल तो सैड भी उसने गाया महम ने कवाली अमन ने मेरे साथ की और आइटम सॉन्ग भी अमन ने गाया बिल्कुल ठीक जी अमन कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका और स्पेसिफिकली आइटम सॉन्ग के हवाले से क्योंकि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ये एक आइटम सॉन्ग का और मेरा ख्याल है कि जो से कहते हैं ना कि जब तक वो स्पाइसी ना हो खाना उसका मजा नहीं आता तो आई थिंक जब तक आइटम सॉन्ग ना हो तो मूवी में वो मजा नहीं रहता कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत ज़बरदस्त और ख़ासतौर पर आइटम सॉन्ग की जो आप बात कर रही हैं आइटम सॉन्ग मैं समझती हूँ उस पर अली ने भी बहुत मेहनत की है मैंने भी बहुत मेहनत की है मैडम भी रिकॉर्डिंग के दौरान वहीं पर मौजूद थी और ये बड़ा अच्छा जो है एक चेंज है कि हमारी मूवीज में जो है आइटम सॉन्ग जो बड़ा कम दिखाया गया लेकिन ये मैं समझती हूँ इसको शूट भी बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है इंटरनेशनली कंपीट कर रहे हैं ना तो इस तरह की चीजें आपको अपनी मूवीज में लेकर आनी है उसके बगैर आप कंपीट नहीं बहुत जबरदस्त मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे बड़ा अच्छा लगा मेहनत मैंने बहुत की और इंशाल्लाह पब्लिक को पसंद आएगा अच्छा आसमा जी ये बताइए कि सारी ऑलमोस्ट न्यू कास्ट है दुर्दाना जी के अलावा ये रिस्क कैसे ले लिया मतलब सारे नए चेहरे हैं ऑब्वियसली मैं एक्चुअली जैसे इन सबको कास्ट करने के लिए मैं आई लाहौर में तो मैंने अली से भी जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने इससे भी पूछा मैंने कहा कुछ गाए थे मुझे अपने गाने शाने सुनाए कहा लेकिन मैंने कोई मूवी नहीं की अच्छा मैं इतने सारे गाने मैंने बना दिए मुझे लोगों ने कहा कि जी ये भी चाहिए ट्रैक ये भी चाहिए तो लेकिन कोई करवाता ही नहीं तो इसने मुझे भी यही समझा कि पता नहीं ये भी खातून है गाना सुन के मेरा ना तो बस ये टाल टूल गई है निकल जाएगी ना और इसने बस मेरा ऐसे ही सुनना है और ये जब आया ना तो मैंने जब इसको देखा तो बड़ा मुझे लगा बड़ा प्राउड सा ना अच्छा मैंने कहा ये बात ही नहीं सीधे मुंह कर इसने काम क्या करना मेरी आदत है फ्रेंडली में काम करती हूं जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो आर्टिस्ट के साथ मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इसको मैंने देखा तो बड़ी चादर शादर लेके हारमोनियम लेके यूं बैठा हुआ मैंने रूबी को कहा अपने रोब में बैठा हुआ मैंने कहा ये बात ही नहीं सीधे मुंह कह रहे इसमें से काम क्या करना है कहती चल छाड़ काम हमने बात क्या करनी है काम सुन तुम उसका उसको कहते कोई अंतर तुम्हें कुछ सुनाता है इसने मुझे दो तीन लाइनें सुनाई ना तो मैंने सुनी वो मौला कवाली की ना उसकी पहली इसने मुझे अब लाइन सुनाई ना मैंने कहा बाकी का कंप्लीट करो बिल्कुल ठीक वहीं बैठे हम इतने रफ मूड में बैठे हुए थे और इसने जब मुझे सुनाई मैंने कहा दूसरे दिन हमने रिकॉर्डिंग करनी मूड ही चेंज हो गया एकदम से ना फिर मैंने इसको कहा बाकी के भी लिखो अभी ये भी लिखो जैसे एक गाने के लिए मैंने इसको बुलाया था अच्छा जब इसकी मैंने वो शायरी सुनी ना फिर मैंने कहा मुझे दूसरे भी लिख के दो फिर सांस आ करते करते इसने लिखने शुरू कर दिया और ये हकीकत की बात है कि इसके पास बहुत सारा मतलब इसके का एक हार्ट पड़ी हुई है जो फुल है इसने खुद से बड़ी मेहनत की हुई है लेकिन वही बात है कि कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बिल्कुल तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आपके पास इतना टैलेंट है वो इतना अच्छा गाता है शायरी इतनी अच्छी है म्यूजिक इतना अच्छा है हम लोग क्यों नजरअंदाज करते हैं ऐसे लोगों को जिनको आगे आना चाहिए यही इनका दौर है मैंने कहा ये आप पहली फिल्म करोगे मैंने अमन को जब बुलाया तो कहती जी मैंने पहले कोई आइटम सॉन्ग मैंने नहीं गाया नहीं, मैंने कोई फिल्म भी नहीं किया मैंने कहा अच्छा फिर आपने ये गाना बीच में कुछ अली का नियत खराब भी हो गई इसने किसी और लड़की के साथ भी बात किस हिसाब से आप ये एक्सप्लेन करें मतलब इसने कहा कि नहीं वो एक और लड़की है मैं नाम नहीं मेंशन करूं कहती वो बहुत अच्छा गाती है अच्छा आप उसको बुलाएं आप एक वापी आप उसको इससे ना मुझे व्हाट्सएप उसकी थोड़ी सी आवाज मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए मैंने कहा अली मैंने तुम्हें कह दिया है कि ये गाना अमन ने ही गाना क्यों कि वो पहली दफा मेरे पास आई और उसने एक ही बात किया कि मैंने पहले कोई फिल्म नहीं की मैंने कहा ये वही बात आ जाएगी इसने भी कल किसी जगह बैठ के कहना कि जी वो भी बीबी आई थी मुझसे सुन के चली गई है मैंने कहा ये बात मैंने सुननी नहीं है मैंने कहा वो इतने मान से मेरे पास चल कर आई है जैसा कैसा होगा उस पर मेहनत कर लेंगे लेकिन गाएगी वही बिल्कुल इन लड़कियों ने भी सबने ये कहा जी हमारी पहली पहली फिल्म है हमने कुछ भी नहीं किया मैंने कहा यार ये एक तो किसी ने तो रस्म तोड़नी है ना तोड़नी है आप किसी एक को तो कह सकोगे हाँ जी मैंने पहली आप ये देखें उसके बाद इसने दो फिल्में की है तीन फिल्में इसकी अंडर प्रोसेस है अब लेकिन इसकी ये पहली अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज हो रही है रिलीज हो रही है तब ये किसी को कहने वाली बनेगी कि मेरी एक फिल्म ऑन स्क्रीन चली गई है बड़ा दुश्मन मेरा अली ही था है ये क्या खबरें सुनने को मिल रही हैं आज तो खैर
हमारी दोस्ती हो गई है। पक्की बात है। अब तो नहीं कोई और वॉइस व्हाट्सएप होगी आसमा जी को कि नहीं है आप ही चेक कर लें? नहीं, इसके अलावा नहीं नहीं इसके अलावा भी अली ने मुझे एक और मूवी है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुलाया था। अच्छा। उसमें भी मैंने एक आइटम सॉन्ग गाया और अली ने ही उसकी कंपोजिशन और लिरिक्स भी मेरे ख्याल से इसी ने लिखे थे। और ट्रैक पे आ गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं, सोच लें। अच्छा दुर्दाना जी, आपके बारे में तो हमेशा यही बात बोलती हूँ कि आप वो लोग हैं जो अपने अंदर खुद एक इंस्टीट्यूट है, खुद एक एकेडमी है, और हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हमें चंद लम्हे आपके साथ इवन बैठने के में मिल जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस इन नए बच्चों के साथ कैसा रहा? बस मैं तो यही कहूँगी कि जितने नए जूनियर लोग आ रहे हैं इनको सबसे पहली बात यह है कि अपने टाइमिंग का बहुत ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही। टाइम पे जाएं, टाइम पे आएं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तंग ना करें, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया है हम लोगों ने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा है। आप देखिए एक्टर अगर थोड़ा नरम भी हो ना तो अगर वो टाइम पे आता है ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तंग नहीं करता तो हमेशा चलता रहता है, मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग टाइमिंग का ख्याल नहीं करेंगे प्रोड्यूसर का नुकसान होगा तो वो नेक्स्ट आप जो है ना आउट होते चले जाते हैं। तो मैं इन बच्चों को यही कहूंगी कि अपने टाइम का ख्याल करें, अपने काम के साथ सिंसियर हों, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ सिंसियर हों। अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिंदा है तो हम सब जिंदा। हाँ जी बिल्कुल, वरना कोई फायदा नहीं है। कि अगर आसमा जी की आज फिल्म एक हिट होती है फिकर नॉट, तो उसके बाद इनकी भी फिल्में शुरू होंगी, लोगों की भी शुरू होंगी, यही लोग काफी बिजी हो जाएंगे। तो ये जरूर मैं समझती हूँ कि हर फनकार को अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जरूर ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा लीडिंग रोल आप इसमें कर रही हैं, तो उसमें लीडिंग रोल जो है बेसिकली किस तरह की लड़की दिखाई गई है? चुलबुली है, सैड है, रोमांटिक है, टच क्या है उसके अंदर? नहीं, ये बहुत इनोसेंट लड़की का इसमें करेक्टर है मेरा। वो आप इनफेक्ट हो भी? हाँ, या सिर्फ करेक्टर है? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ भी हूँ भी लेकिन मैं आपको उसके करेक्टर के बारे में बता रही हूँ कि बहुत इनोसेंट सी लड़की है जिसको जिसके जो है फादर हैं जो सिर्फ जिंदा हैं और मदर की डेथ हो चुकी है, सो थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं उसको उसके अंदर, तो उसके साथ फिर धोखा हो जाता है और उसी के ऊपर सारी स्टोरी बेस है और कर रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जब आप लोग एक्सप्रेशन आप दे रहे होते हो, अब ऑब्वियसली हर टाइम हम उस मूड में नहीं होते कि सैड एक्सप्रेशंस दे सकें, थोड़ा लोनली टच में जा सकें, प्रॉब्लम नहीं आती उस टाइम? समटाइम्स बहुत जॉली मूड में हंसने का दिल कर रहा होता है बट कैमरे के आगे आपको रोना पड़ता है, कैसे मैनेज करते? बस फिर यही तो है ना एक्टिंग। एग्जैक्टली वही पूछ रही हूं, इस तरह के मूड में नहीं हो कि आप सैड सीन दे सको, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर से आपको निकलता है जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खासतौर पे मुझे तो सैड एक्टिंग ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ उसको। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन दे सकती हूँ, और कॉमेडी मूड में या चुलबुले मूड में भी कर सकती हूँ, लेकिन सैड में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये पॉइंट याद रखना कि सैड मूड में ना, ये मैं वजह जरूर पूछूंगी प्रोग्राम के दौरान, ऐसे बख्शिश नहीं होगी। अच्छा खैर मूवीज के हवाले से तो हम बात करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि शहनशाह कवाली आपके वालिद साहब करीम की बरसी भी है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि थोड़ी सी अगर कुछ मेमोरीज उनकी शेयर करो। नौवीं बरसी है, नौ साल ऑब्वियसली तुम्हारी तो पहली दरसगाह हुई है, सीखा ही वहां से। बिल्कुल। तो अगर उनकी थोड़ी सी याद ताजा करें तो कुछ सुना दो अगर उनका। मैं दो बोल आपको सुना जी जी जरूर जरूर क्यों नहीं। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, हो बेवफा की याद में। मैं मतलब मजाक हंसी मजाक अपनी जगह ऑब्वियसली क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, एंड आई एम श्योर कि मेरी बात को माइंड नहीं करता, लेकिन एक माशाल्लाह इतने बड़े खानदान का बेड़ा इसने उठाया हुआ है कि जिनकी मैं नहीं पूरी दुनिया जिनकी फैन है, और शहनशाह कवाली क्या मतलब उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम मैं कहूँगी रोशन ही किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तारीफ बहुत होगी तो सीखो कुछ, ठीक है ओके। अच्छा मैंने उसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं अभी इस मूवी के बाद? मजीद प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हो? बिल्कुल, दो तीन मूवी
मूवीज में और भी रिकॉर्डिंग मैंने करवाई है। अच्छा। और इसके अलावा एक खूबसूरत एल्बम तैयार हो रही है मेरी जिसके ट्रैक्स गाने का शौक शुरू ही से था, शुरू से फील होता था कि मेरे अंदर ये जर्म्स हैं सिंगिंग के, तो मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल पता नहीं था कि बड़े होकर सिंगर बनूंगी। अच्छा। या स्कूल लाइफ में भी पता नहीं था बिल्कुल। अचानक से सीखा कहाँ से? सीखा मैंने भावलपुर से है, हमारे मेरे उस्ताद इजाज़ तबक्कल खान साहब जिनसे मैंने सीखा। नहीं अली से भी मैंने सीखा है, सीनियर्स लोगों से। तो ये दुश्मनी होनी चाहिए, स्टूडेंट पे थोड़ा रोब रखते हैं और इस वजह से, तो मैंने कहा माइट बी दुश्मनी होती है तो काम अच्छा होता है, दुश्मनी होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर दोस्ती क्यों की? ये नहीं मैं बता सकता, वैसे ही हो गई। अच्छा, उन्होंने गाना ही इतना अच्छा गाया, वो फिर जब हमने पिक्चराइज किया तो बड़ा उसका एक रिजल्ट बहुत अच्छा निकला उस आइटम सॉन्ग का, तो फिर देन मैंने दूसरी फिल्म का भी इनको दिया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उस आप पूरी टीम जो है फिकर नॉट की, उनके लिए एक सरप्राइज कॉल है और पाकिस्तान के बहुत रेनाउंड डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी, आप आवाज़ सुनेंगी और आसमा जी आप गेस करेंगी कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। सारा जी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? कैसे आप? खैरियत से? जी फिकर नॉट की पूरी टीम माशाल्लाह बाहर बिखेर रही है इस टाइम हमारे प्रोग्राम में। मैं फिकर नाट की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। मैंने एक बहुत अच्छी तकलीफ बनाई है और इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो है अली अली बदर का जो म्यूजिक है वो बहुत आउट क्लास है। थैंक यू जरार साहब। रवाब अलमास की सूरत और पाकिस्तान को कतरीना कैफ की शक्ल की लड़की मिल रही, हीरोइन मिल रही, और शहरयार भी बहुत अच्छा वैसे तो अम्मा भी है। इफेक्ट दोदाना जी सिंगर है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जो मैंने प्रोमो वगैरह देखा। दोदाना जी की तो क्या ही बात है, बड़ी अच्छी फिल्म होगी। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आसमा जी बैठी हुई है, जरा कोई मजे की बात आसमा जी की मैं सुनना चाह रही हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में? ये पाकिस्तान की नवी लेडी यानी कि औरतों की नवी डायरेक्टर है पाकिस्तान की, जो डायरेक्टर आ रही है लेडीज औरतों में। जी जी बिल्कुल। तो फिलहाल ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और फिर सबसे बड़ी बात है बड़ी अच्छी खूबसूरत लोकेशन पर इन्होंने शूटिंग की, आउटडोर के पोर्शन बहुत अच्छे इनके। और फिलहाल ये जनरेशन, ये यंग जनरेशन के लिए जो नमाइश जनरेशन है उसको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल। म्यूजिक वाइज भी और खूबसूरत चेहरे नजर आएंगे, डायरेक्शन बहुत प्यारी की उन्होंने। जी जी। फिलहाल ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक अच्छी फिल्म मिलेगी और एक लाहौर की तब्दीली के लिए कम से कम इस्लामाबाद में भी फिल्म का रुझान पड़ेगा इस फिल्म को देख के, और इस्लामाबाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के एक बड़े इदारे आए हैं जो रिलीज करा, सबसे बड़े इनका प्लस पहले एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। रिलीज करा तो उम्मीद है कि ये फिल्म इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस करेगी और बड़े लंबे नोट आने वाले हैं मार्च में इनके पास। अच्छा वाओ, करोड़ कमाने उन्होंने, लाखों लगा के करोड़ों कमाने मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जलाली जी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माहम की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है इस टाइम, ऑब्वियसली अगर वो होती तो कहते ना कि चार चांद एक वो शो पे है ना, वरना आती जरूर। बिल्कुल। अच्छा आसमा अभी ये बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की, काफी टाइम से ये बात सुनने में आ रही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट होती जा रही है टूवर्ड्स कराची। लाहौर और इस्लामाबाद में ना काम है, ना इन्वेस्टमेंट है और ना इवन लोग विलिंग है काम करने के लिए। क्या कमेंट करेंगी इस बारे में? विलिंग तो है काम करने के लिए, वही बात है कि प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। यहाँ पे वो जो हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं वो ऑलमोस्ट काम छोड़ चुके हैं। ओके। अब ये देखेंगे, पहली फिल्म है जो पंजाब से इस लेवल पे इतने बड़े इदारे के साथ IMDC वाले जो है इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप सो कि इसके बाद लोगों में हौसला बढ़ेगा और वो जरूर काम करेंगे। पता क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा एक चीजों से डर भी जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं कि जी ऐसा टाइम आ रहा है, तो ये किसी ने एक रिस्क लेना होता है। ये एक लाइफ में आप एक जुआ है जो आपने खेलना है, उसमें आप जीतते हो या हारते हो वो आपकी लक है। तो ये रिस्क लेने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा, एक हौसला चाहिए, जो मेरा ख्याल अभी इन सारों को थोड़ा सा मुझे देखे इनको मेरा ख्याल हौसला करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। देखे कोई एक होता है जो एक पहला बारिश का कतरा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। काम करने के लिए सारे विलिंग है, सब लोग इधर उधर भाग दौड़ अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल सही। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। लाहौर से भी अंडर प्रोसेस बहुत सारी फिल्म है, शहजाद रफीक साहब भी लगे हुए हैं, सैयद नूर साहब भी लगे हुए हैं, उनकी भी फिल्में हैं जो वो रिलीज होने वाली हैं, लेकिन
मैं इस मसले में बड़ी लकीली अपने आप को कहूंगी कि मेरी पहली फिल्म जा रही है, पहली फिल्म जा रही है, फिर उसके बाद 10,000 जाएंगे, जितनी भी जाएंगे, लेकिन ये है कि नाम यही होगा कि वो रिस्क मैंने लिया, वो रिस्क आपने लिया, ट्रेंड सेटर आप ही कहलाएंगे, उसकी ट्रेंड सेटर आप ही कहलाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो दुर्गाना जी, जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एक तो बात होगी प्लेटफॉर्म के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, दूसरी बात होगी कि जब ऐसा यंग टैलेंट हमारे पास आता है तो इनको फर्दर ग्रूम करने के लिए भी तो कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इनको सिखाने के लिए, क्योंकि वैसे तो फन खुदादाद लाइए थे, लेकिन उसको निखारने की गुंजाइश हमेशा मौजूद, यही होता है ना कि अंदर का शौक हो तो साथ कोई अच्छा काम करवाने वाला हो, exactly. तो बिल्कुल. फिर उसे वो उसका पहली बात तो ये आर्टिस्ट के अंदर का शौक हो कि उसने कैसे काम करना है अच्छा, ये नहीं है कि आपने ड्रेस अच्छा पहन लिया तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, आप परफॉर्म इतना अच्छा करें कि आपकी ना शक्ल पे नजर ना ड्रेस पे नजर, कि आप इतने अच्छे एक्टर हैं, ये बात होनी चाहिए, मैं इस बात की कायल हूँ, बिल्कुल सही। व्यूअर्स, आई एम श्योर कि हमारा जो अभी तक का प्रोग्राम है फिकर नॉट की इस प्यारी सी टीम के साथ, आप उसको जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। एज यूजुअल मुझे यहाँ पे लेना एक छोटा सा खट्टा मीठा सा ब्रेक, सो कीप वॉचिंग रॉयल कैफे एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। कितनी देर का ब्रेक है मामा?